एक खबर, अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी तैयब बरेली का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसकी उम्र महज 20 साल है। आरोपी के पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है, बरेली में वो सिलाई का काम करते हैं। आरोपी का परिवार बरेली में ही रहता है, भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहता है आरोपी का परिवार। गिरफ्त में आया आरोपी 8,000 रुपये महीने की पगार पर सेक्टर 92 में कोठी में काम करता था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तैयब है इस शख्स का नाम, जिसको आप देख सकते हैं। लंबी पूछताछ इसके साथ की गई है नोएडा पुलिस के द्वारा। नोएडा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, हालांकि ये बरेली का रहने वाला है। देखिए, महज 8,000 रुपये की तनख्वाह वाले इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि इसने सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, शराब पीने के बाद इसने नशे की हालत में जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि इससे पूछताछ की करी जा रही है और पुलिस की गिरफ्त में ही है ये। अभी इसके तार किसी और बड़े गिरोह से, बड़े गैंग से ना जुड़े हों, इसी बात की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को भी जान से मारने की धमकी इसी शख्स तैयब ने दी थी। जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को धमकी देने वाले आरोपी तैयब को गिरफ्तार कर लिया। 39 थाना क्षेत्र में मौजूद है, यहीं से गिरफ्तारी हुई है और अब सीधे कोर्ट ले जाया गया है। आपको बता दें, कोर्ट में मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद मुंबई में पूछताछ करेगी। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक, आपको बता दें, तैयब सेक्टर 92 में एक पेंटर का ठेका लेकर काम कर रहा था 8,000 रुपए का, और बताया जा रहा है उसने मुंबई कंट्रोल रूम पर मैसेज किया था और धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क साधा था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल रूप से बरेली का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो अपने परिवार के साथ जाफराबाद दिल्ली रह रहा था और उसने मुंबई कंट्रोल रूम में कॉल करके धमकी दी थी। इसको लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट हुई है, जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई की गई और इसी थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद तैयब इस वक्त सेक्टर 92 में काम कर रहा था, ठेका लिया हुआ था 8,000 रुपए का और यहाँ पर वो काम कर रहा था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब तमाम चीजों की जानकारी मुंबई पुलिस भी जुटाएगी, जिसमें कि क्या ये किसी गैंग मेंबर से जुड़ा हुआ है या नहीं, इसके अलावा उसने किसके इशारे पर यह कॉल किया था, इन तमाम चीजों के तफ्तीश सब उसे मुंबई में की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा।